हमने पढ़ा कर जैसे ही रखा तो हमारे घरों में आग लग गई, हमारी लड़की का दुपट्टा जल गया। भैया पढ़ा के मत बुलाओ, तो बस भी गाली गुलाब जाने लगे और उसको अंदर को ले गए मारने के लिए। मौके पर मौजूद फोर्स ने तथा सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारीगण ने दोनों पक्षों को समझा बुझा करके अलग कर दिया। जुलूस को संकुशल संपन्न करा दिया गया। महोबा में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान जलदभव पटाखा कच्चे मकान में गिरवे से दो संप्रदाय आमने सामने आ गए। अचानक विवाद मारपीट में बदल गयो, देखते देखत बाल्टी और पथरा चलन लगे। घटना से आक्रोशित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में जम के हंगामा करे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खूब बवाल भाव। इसके बाद पुलिस ने घटना स्थल पहुँच के इलाके में लोगन के इकट्ठे हुए पर रोक लगा। भय कछु लोगन को हिरासत में ले लाओ। मामला है महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के कसौरा टोरी को। इतने गणेश विसर्जन के लाने दो मूर्तियां डीजे की धुन के संग निकल रही थी। यही दौरान जलद व पटाखा कच्चे मकान में गिर गया। इसे विवाद हो गया। विवाद हंगामा बदले, डीजे की धुन पर जश्न मना रहे भक्तों पर दूसरे पक्ष ने पानी डाल दो। इसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि यही दौरान लोगन ने बाल्टी से हमला करके पथराव भी करे। इसे विसर्जन के लाने जा रहे लोग आक्रोशित हो गए। मामला पड़क चलेगा। कि यहाँ से मूर्ति निकल रही थी, एक मूर्ति निकल गई और दूसरी मूर्ति आकर यही हेडपंप के यहाँ खड़े होकर जाने कितने खराब खराब उन्होंने बाजे बजाए और कटुआ कर रहे और ये कर रहे वो कर रहे, खड़े रहे जलसा करते रहे और चिल्लाते रहे कटुआ और जाने मुल्ला टोपी उतार के सर झुकाएंगे, ये करेंगे। हम लोगों ने कुछ नहीं, एक तरफ रहे। इन्होंने पड़ाका जैसे ही रखा तो हमारे घरों में आग लग गई, हमारी लड़की का दुपट्टा जल गया और एकदम चिंगारियों से। तो हम दौड़े कि भैया पड़ाके नहीं बुलाओ आप और हमारे घरों में आग ही लग गई हैगी। तो जी लोगों नहीं माने, इतने में हमारी बहन का लड़का उतरा, उन्होंने समझाने के लिए करा कि भैया पड़ाके मत बुलाओ, तो बस भी गाली गुलाब देने लगे और उसको अंदर को ले गए मारने के लिए। और बस इतने में हम छोड़ के और चिड्डी चढ़ने लगे तो लड़के ने पानी की बाल्टी इनके ऊपर मारी कि आप हम उतर जाओ यहाँ से। जिन लोग उतरने के राने राजी न थे, एक दिख बमक बमक के हमारी माँ बहनों के पास जा रही थी, सारा हमारा जम खट खड़ा था कि लड़ाई हो गई का हो गया, और इसलिए इनको धक्का मार मार के कर दिया कि जाओ। इतने में एक पुलिस वाला आया, हम उनका हाथ पकड़ के रह गए कि सर आप सुनिए तो जी आग लग गई है जी, पड़ा के बुला रहे हैं। वो कहती अभी बाद में देखेंगे, पहले वीडियो बना लें। वो वीडियो बनाने लगे हैंगे, बस वीडियो बनाते बनाते बस ये हटने का नाम ही नहीं ले और चिल्लाने लगे कि कटुओं को मारो, कटुओं को मारो। बस एकदम बस चिड्डी चढ़े बस एकदम, और जाने कौन कौन सा डीजे में बाजा लगा, ये मुल्ला सर झुकाएंगे एक बार। अगर हमारी ये हमारी बजरंग दल की गली है नहीं, हम एक हाथ के पांच चटका देंगे, एक हाथ के पांच उतारेंगे, ये सब कर रहे थे वो तमाशा। फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोले और ना ही उनको किसी ने पत्थरबाजी की और ना ही किसी को इन्होंने मारा पीटा और ना ही किसी ने इनको हाथ लगाया है ताकि वो बहित को बीच बचाव में दो चार हाथ इन्होंने मारे हैंगे। तो कहा चलो भाई अपना जलसा ले जा, चलो भाई अपना जलसा ले जा। वहाँ जलसा छोड़ के आके 500 लड़का फिर हमारे यहाँ मचाने लगा, जय बजरंग दली फिर मचाया। ये तो कहा पुलिस शासन थी तो उन्होंने सबको भगा दिया। नहीं जाने पता नहीं ये लोग क्या करते हमारी मंडी में घुस कर, क्या नहीं करते हमारी माँ बहनों के साथ। आज गणेशोत्सव के पर्व पर मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा था। मूर्ति विसर्जन में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। संबंधित कोतवाली में उसकी सूचना दी गई और यहां से आश्वासन मिला है कि जिन अराजक तत्वों ने इस प्रकार की कोई घटना की है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा हम सभी को आश्वासन दिया गया। हर वर्ष की बात है, हम लोग हर वर्ष गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम करते हैं और विसर्जन जो हमारा है वो कसौड़े से ही होते हुए होता है और इस बार भी कसौड़े से ही हो रहा था। तो हमारे जो के मुस्लिम लोग हैं इन्होंने मतलब विसर्जन को देखते हुए इन्होंने अराजकता फैलाई है और हम लोग ऊपर पथराव किए हैं और ये पानी की बाल्टियाँ भी मारी हुई हैं। तो इन्हीं सब लोगों को, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बस हमारी कोतवाली अधीक्षक से यही है कि वो है कि लोगों पर कसकर कार्रवाई की जाए। दोनों पक्षों मारपीट नहीं, दोनों पक्षों में कोई मारपीट नहीं हुई, ये लोग थोड़ा हावी हो रहे थे तो हम लोगों ने भी यही कहा कि चलिए आगे बढ़िए और इन्होंने अचानक क्या हुआ कि नहीं, वीडियो वगैरह हम लोगों ने खैर बनाई थी, पीछे से कई लोग बना रहे थे, साइड से भी बना रहे थे
नहीं, अचानक क्या हुआ, अचानक क्यों से हमला हो गया, किस चीज से हमला जी? नहीं, बात कोई नहीं हुई, हम लोग केवल जा रहे थे, वो गाने बजे, गाने बजे, डीजे भी थे, दो डीजे थे, दो मूर्तियां थी, एक आगे एक पीछे चल रही थी, आगे वाली मूर्ति निकल गई थी और पीछे वाली मूर्ति जस्ट थे, तो उस टाइम में भी वही था, पुलिस नहीं थी, पुलिस क्या है की आगे थी और पीछे, उस टाइम पीछे पुलिस नहीं थी। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम अंशुल साहू है। अगर पीछे पुलिस होती या उस टाइम वहाँ पुलिस होती, जो वहाँ मेन कसौड़ा है वहाँ पे, और वहीं आज दिनांक 14 सितंबर शाम को जनपद महोबा के कोतवाली थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन के जुलूस निकल रहे थे। उसी दौरान एक जुलूस में पटाखा फोड़ते समय दूसरे पक्ष के घर में पटाखा जाने से हल्का विवाद हो गया, दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। मौके पर मौजूद फोर्स ने तथा सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारीगण ने दोनों पक्षों को समझा बुझा करके अलग कर दिया। जुलूस को संकुशल संपन्न करा दिया गया है, विसर्जन संकुशल संपन्न कराया जा चुका है, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हिंदू संगठन के लोगों को क्या वो है कि विसर्जन के लाने प्रतिमा हर साल निकलत, लेकिन बेवजह विवाद खड़ो करेगा, दोषियों को गिरफ्तार करे जावे। महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली, बोछार के लाने। एकलव यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।